जो करना है वो फिल्म में हो चुका है, सिर्फ कुछ कविताएं हैं। मुझे मालूम नहीं अटल जी की कुछ कविताएं हैं इस फिल्म में, अभी मुझे याद नहीं। मुझे वो कभी कभार मिलती है, पूछती है कैसे हो, मैं अच्छा हूँ। सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, मैं अच्छा हूँ। पूछती है मेरी याद आती है, मैं कहता हूँ नहीं, मैं तुम्हें रोज़ भूलता हूँ। कहती है जैसे थे वैसे ही हो, मैं कहता हूँ सभी तो वैसा ही है, सुबह शाम रात। सिर्फ उस वक्त वो बात अच्छी नहीं लगती। सुबह को शाम अच्छी लगती है, शाम को रात। वो चुप, मैं चुप, उसे जाना होता है, वो चली जाती है, फिर सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है। कविता रिसाइट करने में बड़ा मज़ा आता है। घर में है बच्चे ही लोग, चार दीवारें, छत और मैं। रात सांवली, एक सहेली, गोरा चिट्टा दिन है दोस्त। घर में है बच्चे ही लोग, चार दीवारें, छत और मैं। टहलने निकले तन्हा परछाई, मैं भी उसके पीछे चलूं। नीले अंबर के कागज पर पंछी होकर चित्र बनूं। इंद्रधनुष की तिरछी डाली पर चिपकी गीली गीली ओस। घर में है बच्चे ही लोग, चार दीवारें, छत और मैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। अब जो लफ्ज है वो, जो वर्ड्स है वो ऐसे छोड़ने में, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता, वो तो बड़ी पुरानी है जो जावेद साहब ने लिखी थी। कैसे बताओ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताओ मैं तुम्हें। तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो। तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, हर खुशी, प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो। आँखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम। तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में। तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में। मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम। मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम। और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो। बड़ा अच्छा लगता है कोई कुछ लिखता है ऐसे तो बयां करने में बड़ा मज़ा आता है। हाँ मेरे दोस्त, वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ पर संभलती है, फिर आगे निकलती है। तो लफ्ज़ है, लफ्ज़ों के साथ खेलना बड़ा। लेकिन सबसे पहले इस हसीन नाज़नीन की खिदमत में अपने अकीदत का नाचीस तोहफा पेश करने की इजाज़त चाहूँगा, जिसके चेहरे पर इस सरजमीन के चमन का हर फूल और इस आसमान की कहकशा का हर सितारा बेपनाह रश कर रहा है, जिसकी रंगत देखकर चांदनी जल जल कर काली हो जाए, और जिसकी मुस्कुराहट को अपनी तोहिन समझकर सुबह शाम के आँचल में अपनी शर्मिंदगी छिपाने पर मजबूर हो जाए। तो बड़ा मज़ा आता है। ये वही हमने उधार के लिए हुए लोगों के जो लिखते हैं उनके वर्ड्स होते हैं, तो यही बस और कुछ नहीं। और तालियां अब हमारे लिए बजाते हैं, लेकिन होता है उनके लिए। बहुत अच्छा लगता है। और ऐसी ख़ास तौर पे ऐसी फिल्म जो एक आम तौर की, जैसे वेलकम जब कर रहे हैं वो, और उसके बाद एक ऐसी फिल्म करने का मौका मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। स्टेज से होने के नाते ये इस तरह की फिल्में करने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन रोटी भी चाहिए भाई, तो वो वेलकम भी करनी पड़ती है। तो बाकी रही बात कि को आर्टिस्ट जो थे, या हमारे राइटर थे, राशिद था, सुधांशु था झा, डायरेक्टर। क्योंकि ऐसी कहानी चुनना जो होता है, कौन ऐसी कहानी बनाएगा। बात ऐसी है कि पैसे आएंगे वापस नहीं आएंगे, लेकिन अपने दिल से पूरी तरह, मतलब कहीं वहाँ मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कुछ नहीं है, वो झिंझोड़ देती है कहानी।
मुझे मालूम नहीं रहता था कि अगले वक्त मैं किस तरह से परफॉर्म करने वाला हूँ। जिस तरह से एक जो फ्लुइडिटी है, मेरा कैमरामैन जो है एक पूरे टेकिंग में कोई ज़्यादा ये नहीं है, गिमिक्स नहीं है, कोई अलग से लाइटिंग नहीं है, कई ऑड एंगल्स नहीं है, बहुत स्वाभाविक तरीके से वो कहने की कोशिश की है। सुधांशु से मतलब मैं डायरेक्टर को मैं कहूँगा कि मैं मुझे मालूम नहीं किस वजह से तूने मुझे चुना है, लेकिन मुझे बड़ा सुकून मिला है ये करते वक्त पूरी फिल्म में। मतलब करते 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 कैसे घट गई मुझे हम मुझे भी पता नहीं चला। जब जाके मैंने आज उसका ट्रेलर जब देखा मुझे अच्छा लगा। किसको कैसे लगता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। वर्ड्स के साथ आवाज़ हमारी जो होती है, हम स्टेज पे जब बोलते हैं। हाल में एक बहुत बेहतरीन फिल्म करने का मौका मिला था, नट सम्राट, मराठी फिल्म थी। उस वक्त एक परफॉर्म करने का मौका मिला था। यहाँ वही एक तसल्ली मैंने पाई है। मेरे सभी जो सह कलाकार हैं सभी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। खास आज का शोमा ही होती यहाँ, वो आ नहीं पाई है, राशिद खान नहीं आए हैं, लेकिन वो सब जब मिलेंगे, एक बहाना होता है, एक ज़िंदगी का हिस्सा होता है ऐसी फिल्में। और फिल्म तो आती है जाती है चली जाती है, लेकिन वो हिस्सा हमारे ज़िंदगी भर हमारे साथ वो रहता है, वो यादें रहती है। तो मुझे लगता है एक फिल्म के नाते उसका पैसा कितना धंधा किया नहीं किया वो मालूम नहीं मुझे, लेकिन मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा है। क्योंकि आज मैं नाना पाटेकर होने के नाते मेरे अपने सुख दुख से ज़्यादा मैंने जो किरदार निभाए उनके सुख दुख के साथ ज़्यादा रहा हूँ। तो मुझे मालूम नहीं है कि मेरे अपने सुख दुख कौन से है। तो कभी कभी वो गलत हो जाती है कि उसके सुख दुख मेरे हो जाते हैं, और फिर मेरे घर में आने के बाद वो थोड़ा सा कुछ उलझा उलझापन सा होता है। तो हमारी ज़िंदगी ही ऐसी होती है, जब इस लाइट में है तब आप देखेंगे, और हमें तो आदत लगी हुई है सामने के अंधेरे में अपने सुख ढूंढने की, और वो तो हम ढूंढते रहते हैं, लेकिन एक दिन ये लाइट चला जाता है, हम अंधेरे में रहते हैं, और फिर पता नहीं चलता, कोई पहचानता नहीं। लेकिन वो भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, मान के वो तुमको स्वीकार करना होगा और हमें मंजूर है। इसके पहले कि कोई कह दे कि नाना नहीं बस, उसके पहले हम कहीं निकल जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि ज़िंदगी में और भी कुछ करने लायक बहुत सी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि वापसी के रास्ते पर एक हमें बहुत अच्छा मौका मिला है किसानों के लिए काम करने का, और दूसरी हमारे जवानों के लिए। पिछले साल हमारी 400 कैजुअल्टीज़ हुई है, BSF, CRPF, आर्मी, ITBP। तो आप सभी माध्यम हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके सामने ये मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो फैमिलीज़ है उनकी, जो शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज़ को, हर फैमिली को 1.5 लाख रुपए देने का हमने सोचा है। 400 है तो 10 करोड़ लगेंगे। ये कहने के लिए मैं नहीं कहता, गलत मत समझिएगा, लेकिन उसमें मुझे तब हक बनता है कि आप उसमें कुछ हिस्सा उठाओ, तो उसके पहले मुझे उठाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मेरे तरफ से मैं 50 लाख या 1 करोड़ मैं दे दूँगा। रहे 9 करोड़, वो 9 करोड़ के लिए आप 100, 200, 500, 1000 जो भी, बात ये नहीं है कि पैसे कितने दे रहे हैं। सरकार की तरफ से तो वो हो ही रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा जवान ये समझे कि हमारे बारे में हमारा समाज सोच रहा है उनके बारे में। तो मुझे लगता है ये जश्न होना चाहिए। तो ये आज वजह थी तो मैंने ये कह दिया। भरत भाई, फिल्मों से ज़्यादा मैंने अभी मतलब मेरा वक्त वहाँ ज़्यादा चला जाता है। कभी कभार पैसे कम हो गए तो मैं, आप जैसे प्रोड्यूसर होते कहते हैं कि चलो नाना फिल्म करोगे, तो मैं करता हूँ, और जो मुंह मांगी जो दाम है वो दे देते हैं ऐसे लोग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी ज़िंदगी में जितना कुछ मांगा था, सोचा था ऊपर वाले के पास, उससे कई गुना ज़्यादा दे दिया है उसने। तो अब वही हमारी जिम्मेदारी है कि लौटा देना है समाज को वापस। तो मुझे लगता है वो हम कर लेंगे। धन्यवाद। बताऊंगा नहीं रोल क्या है। रोमांटिक मतलब वो अपेरेंटली आपको लग रहा है, एक्चुअली वो कुछ अलग ही है वो जो फिल्मों में है। कुछ पिछले साल जो पैसे दिए हुए हैं वो सभी लोगों ने 60 करोड़ रुपए दिए हैं।
वो मेरे अपने नहीं थे, वो सब आप लोगों ने दिए हुए पैसे, तो ये क्रेडिट आप खामखा मुझे मत दीजिए। मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, हम सभी मिलके, मकरंद है, हमारे बाकी के लोग हैं, तो हमारे बाकी सभी लोग हैं। और रही बात पैसे की, मुझे तब हक बनता है कि मैं अपने जेब में हाथ डालूं, मैं कुछ पैसे दूं, उसके बाद मैं कह सकता हूं कि आपको देना चाहिए, अगर देंगे तो बेहतर होगा। और ये कोई पैसे मांग नहीं रहे हैं, मैं कहता हूं कि हमको वो एहसास होना चाहिए हमारे जवानों के प्रति, हमारे किसानों के प्रति, हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, हम बदौलत उनके है, तो इतना सा छोटा सा। और ये कोई लाखों और करोड़ों रुपए देने की बात नहीं है, आपको जितना समझता है, ताकि ये 2.5 लाख रुपए जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, उनके घर वालों को जब पहुंचेंगे तो उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए पूरे तो है नहीं, लेकिन जो जब हमारे जवान अभी है, उन्होंने जब वो देखेंगे ये, तो वो क्या है, आज मैं सोचता हूँ कि तुम्हें दे दूँ मैं वोट, और दो दिन में आप साबित कर देते हैं कि नहीं मुझे मत। नाना जी, फिल्म फ्रेटर्निटी पर हो रहे हमले को लेकर क्या? वो गलत है, किसी पर हमला होना ये बिल्कुल गलत है, ऐसे सेंसरशिप सही नहीं है। सुरक्षा की कमी है? सुरक्षा की कमी नहीं है यार, अभी तुम्हारे वैसे तो इसमें से कोई एक लोग, एक बंदा कोई मेरे सर पे कुछ मार दे तो उसको क्या करेंगे आप, समझ में आता है ना? तो अभी इस भीड़ भेड़ चाल में हमको कोई मार देता है तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा ना। तू अभी उठा के मुझे कुछ मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं सिर्फ देखूंगा, क्योंकि तुम्हारी तादाद इतनी बड़ी है, मैं अकेला हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम गलत करते हो। टिपिकल जो फिल्में होती है उससे कुछ अलग करने की कोशिश सुधांशु झा ने की है, और थिएटर का होने के नाते जिस तरह के जो डायलॉग्स है, जिस तरह से लिखा हुआ है, रिसाइट करने में बड़ा मज़ा आया, क्योंकि ऐसी फिल्में करने का मौका मिलता नहीं, क्योंकि हमें एक टिपिकल कमर्शियल लोगों का मतलब आएंगे नहीं आएंगे वो पैसे मद्देनज़र रख के हमको सोचना पड़ता है, और वैसा कुछ यहाँ हुआ नहीं है, तो मुझे बड़ा सुकून मिला ये करते हुए। अब रही बात वो मेरे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली बात इसमें नहीं है, तो मुझे कोई वो पुरानी यादें ताज़ा कुछ नहीं हुई, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से कुछ करने की कोशिश की है। देख लो, अब आपको रास आए ना आए मुझे नहीं मालूम, मुझे रास आई, म्यूज़िक बड़ा अच्छा लगा, अलग तरीके का है फिल्म से, मतलब बिल्कुल ऐसा थोपा हुआ म्यूज़िक लगता नहीं, गाने के लिए गाने नहीं हैं वो, उसका पार्ट है फिल्म का। माही ने बहुत अच्छा काम किया है, छोटे छोटे रोल है सभी के, लेकिन उसमें बहुत ही मतलब अगर वो कैरेक्टर नहीं है तो लगता है अधूरापन सा महसूस होता है। जाहिर है आपने देखा कि मुझे ज़रा ज़्यादा वर्बोस है मेरा रोल, बोलना बहुत है मुझे, और देखो जो हादसा हुआ है वो तो मतलब सही नहीं हुआ, ऐसे हर कोई करते रहेगा तो हम कभी फिल्म ज़िंदगी में बना ही नहीं पाएंगे, तो वो जो हुआ है वो सही नहीं है, और क्या कहें, हर कोई ऐसे उनका कहना है कि जो स्क्रिप्ट है जो असल में हुआ नहीं है, हाँ इतिहास के साथ छेड़खानी की गई है, तो वो मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड जो है वो सेंसर बोर्ड तय करेगी, देखेंगे। अब संजय का कहना है कि उसने वैसा कुछ शूट किया ही नहीं है, अब उसको उस पर मैं ये टिप्पणी नहीं कर सकता कि वो सही है गलत है, लेकिन जिस तरह से वो हाथापाई हुई है, जिस तरह से वो हैंडल किया गया है, वो पूरा ये वो सही नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि किसी पे हाथ उठाना बगैर देखे आपको मालूम नहीं, आपका एक एक वहम है आपके जहन में कि ऐसा किया है, हालांकि वो वैसे हुआ है नहीं हुआ है किसी को मालूम नहीं है, तो फिल्म जब रिलीज़ होगी तभी पता चलता है आपको कि वैसे किया है कि नहीं, तो लेकिन मुझे नहीं लगता वो जो हुआ है वो सही है। अब क्या भाई, ये हर एक की भावनाएं उनको धक्का पहुंचता है, ऐसी कोई बातें होती है। अब मैं एक मेकर होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जब तक वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है, कोई ऐसे
आक्षेप लेने जैसा कुछ हुआ नहीं है, तब तक आप अगर ऐसे करोगे तो वो सही नहीं है। नाना जी, अभी आपने देश के सैनिकों के बारे में भी बात की और मतलब उनके लिए जो डोनेशन है कुछ आप डोनेशन करने की बात भी कर रहे हैं, उसकी भी बात की है, ऐसे ही एक इनिशिएटिव अक्षय कुमार भी लेकर आए हैं, अच्छी बात है। तो आप मतलब क्या कहना चाहेंगे आपका जो है? नहीं नहीं नहीं, अभी ये अभी देखो पिछले साल जो नाम के माध्यम नाम फाउंडेशन के माध्यम से किसानों के लिए जो अकाल था उसकी वजह से जो किया था, अब मुझे लगता है कि इस साल हमारी कैजुअल्टीज़ बहुत हुई है जवानों की, वो BSF के है, आर्मी के है, CRPF के है, ITBP के है, जो भी है मिलिट्री पैरामिलिट्री के जो लोग, तो है किसान और जवान जो हमारी जिनके बदौलत हम इतने महफूज है, उनके बदौलत हम हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई शहीद होता है हमारा जवान तो उनके घर वालों के बारे में हमें सोचना चाहिए। ये नहीं है कि 2.5 लाख रुपए दे के हम उनकी पूरी जिम्मेदारी उठा रहे, लेकिन कम से कम एक एहसास दिलाना चाहिए कि नहीं भाई हम आपके बारे में सोचते हैं। 400 कैजुअलिटीज़ है तो 10 करोड़ रुपए लगेंगे, अब 10 करोड़ है तो बहुत मामूली अमाउंट है, वो तो हो जाएगी, जमा हो जाएगी आपको। इसलिए मैं कहता हूँ कि सरकार की तरफ से तो पैसे देते हैं, सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हम हमारी जिम्मेदारी अगर उठाते हैं तो वो बेहतर है। बात कितने पैसे देते हैं वो नहीं है, 100 है, 200, 1000 है, करोड़ों में या लाखों में कोई नहीं मांग रहा, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी हमको उसका एहसास होना चाहिए ताकि उसका उनका हमारे जवानों का मनोबल इससे बढ़ेगा। नाना जी जानना चाहेंगे जो शाहरुख जी ने जो एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई थी ट्रेन से जाने की अपनी मूवी को प्रमोशन करने, वो मुझे मालूम नहीं, हर एक का अपना एक तरीका है भाई प्रमोट करने का अपना, उसमें आपको किस नहीं, उनको 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 अभी रिस्पॉन्सिबल कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन उसको उनके घर वालों को उसका ये मिलना चाहिए, इसके अलावा आप क्या करेंगे, मुआवजा मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, लेकिन नहीं तो इसके बदले में और क्या करोगे क्या? अगर आप इस तरह से प्रमोशन होते हुए अगर किसी की डेथ होती है, जैसे आपने नया इनिशिएटिव बताया 2.5 लाख रुपए का, बॉलीवुड में आपको कहीं आपके न्यू इनिशिएटिव से कहीं हेल्प मिली है? नहीं नहीं ऐसे नहीं, बॉलीवुड के अपने अक्षय कर रहा है या सभी लोग देते हैं यार, वो चिल्लाते नहीं हैं, कोई कर रहा है तो मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमें कुछ बात की तो चिल्ला के कहना चाहिए, चुपके से हम कर सकते हैं, तो कोई करते नहीं ऐसी बात नहीं, बहुत करते हैं हॉलीवुड में, अपने बॉलीवुड में हमारे बहुत से हमारे जो है कलाकार समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं।